हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो लाइटिंग का मटेरियल बहुत सारा मेरे पास आया है उस बारे में। सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मिनी लेज़र स्टेज लाइट को कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे इसको हमें यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये है मिनी स्टेज लेज़र लाइट, आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हमें आता है बॉक्स पैक में। ये मुझे होलसेल में मिला था फ्रेंड्स 580 रुपीज़ का, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 750, 780 या 850 तक होती है। आप अगर कौन से भी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी देखेंगे, ये आपको 800 के करीब ही मिलेगा। हमारे शॉप से लेंगे तो हम डिस्काउंट के साथ हमको ये 740 तक अवेलेबल करा देंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये। इसका आप पीछे देखेंगे तो ये कुछ मोड्स आपको दिए हुए हैं, इसको ऑपरेट कैसे करना ये मैं आपको बता देंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये माइक सिस्टम है, ये माइक सुन के ही अपना जो लाइट है वो ऊपर छोड़ता है। उसके बाद मोड, सबसे पहले हमें म्यूज़िक मोड रहना है तो एक नंबर लीजिए, सेकेंड नंबर ऑटो आता ऑटो मोड पर, और थर्ड है ऑफ़। ये तीनों में से आप कौन सा भी एक मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये माइक का ऑप्शन है, और इसको ये हैंडल करने के लिए हमको ये भी दिया हुआ है, ये आप किधर भी लटका सकते हैं इसको। ये देखिए कौन सी भी जगह पर ये लटक जाएगा। और अगर आपको इसको नीचे रखना है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है कंपनी ने, मैं वो भी आपको बता देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कंपनी ने हमें एक स्टैंड दिया है जिसे हम ऐसा किधर भी रख के इसको हम उसके ऊपर फिट कर सकते हैं। ये नीचे आपको होल दिख रहा होगा, ये होल में पूरी तरह से फिट हो जाएगा। मैं इसको फिट करा के दिखाते हैं आपको अभी। ये देखिए आप, ये पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब हम इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली कैसा चलेगा। ये मेरे पास वो कंपनी ने इसके लिए एक 1 मीटर तक की वायर दिए है, जो सफिशियंट है हमें कुछ भी बोले तो यूज़ करने के लिए। अगर हमारा डिस्टेंस अगर ज़्यादा दूरी पे है तो हमें एक ऐसा एक्सटेंशन बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा, जो अभी मैंने आपके लिए इधर लिया है। अभी मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाते कि ये साउंड पे कैसे चलता है, डीजे वॉल्यूम पे कैसे चलता है और साधा में कैसे चलता है, इन सब के बारे में अभी जानेंगे। ये सबसे पहले मैंने इधर पिन लगा लिया। ये देखिए आप, माइक सिस्टम अभी ऑन है इसलिए मेरे आवाज़ के मुताबिक ये आएगा। अब हम इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कौन सा मैंने फर्स्ट मोड रखा है, अभी सेकेंड मोड रखना पड़ेगा हमें। इसकी लाइट्स कुछ इस तरह से जलेंगी, आप देख सकते हैं। ये 4 to 5 वराइटीज़ में आपने कलर छोड़ेगा। ये अभी दिन का टाइम है इसीलिए ये कुछ ऐसे दिख रहा है, रात के टाइम में कुछ अलग दिखेगा। मैं लाइट ऑफ़ करके भी आपको दिखा देंगे। ये इसका माइक सिस्टम है, हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अगर आपको मैंने ऑटो मोड अभी दिखाया है, इस फर्स्ट वाला जो है म्यूजिक मोड है, या भी मैं जो बात करेगा इसको जितना भी बोले तो वॉल्यूम आएगा उस हिसाब से अपना लाइट छोड़ेगा उधर। और ये उसके बाद मैंने आपको सेकंड दिखा दिया, म्यूजिक मोड हो गया, ऑटो मोड हो गया, और थर्ड मोड जो रहता है ऑफ़, ये ऑफ़ हो जाएगा। अभी हम इसको सेकंड नंबर पे कंटिन्यू रखते हैं जो कि ऑटो मोड है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाएंगे कि ये आपको रात के टाइम पे किस तरह से रोशनी देगा। ये देख सकते हैं आप, अभी दिन का टाइम चल रहा है और मेरा शॉप का शटर ओपन है इसीलिए आपको कुछ उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये रात के टाइम में बहुत ही अच्छे से जलेगा, ये आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ फ्रेंड्स मिनिमम ही 50 फीट तक अपना रोशनी छोड़ता है, और इसको हर 2 घंटे के बाद हमें ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोटर जो इसकी रहती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। हर 2 घंटे के बाद हमें थोड़ा सा ऑफ़ करके 15-20 मिनट का इसको ब्रेक देना है। उसके इसके स्पेसिफिकेशन की ये दिए बोले तो इसको कुछ भी गारंटी वारंटी नहीं आता फ्रेंड्स। ये मेड इन चाइना का मटेरियल है, चला तो अच्छा है, नहीं तो नहीं चल सकता ये। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि मैंने अभी अगला वीडियो बनाने वाले हैं ये सभी लाइटिंग के मटेरियल के ऊपर। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।